सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। प्रशासन अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि वे कितने अवैध काम यहां पर कर रहे हैं। उन लोगों की हिस्ट्री शीट खोलने का काम करे जो बलात्कारी कल संसद में बैठने का उन्होंने काम करा। उन्हें तो प्रधानमंत्री और वहां लोग अपने इर्द गिर्द जेड सिक्योरिटी मुहैया कराने का काम कर रही है ये सरकार। बेरोजगारी हो रही देख तो इनका रगड़ेगा सिर। देख भगवान ने चाहिए आज्ञा हो जा, क्यों ज्यादा तानाशाही चले नहीं कर। खाकी और खादी जिस दिन सुधर जाएंगे उस दिन इस हिंदुस्तान के पैसे पर कोई कमी नहीं रहने की। मैं एक चीज कहूं, चुनाव होगा निमटे भी राजनीतिक लोग केवल वो टुल रहेगा, लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। अगर प्रतिष्ठा प्रशासन की है, पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा है, तो प्रतिष्ठा हमारी भी है भाई। जलायु के लोग भी होंगे यहाँ। यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी नरेश का जिंदाबाद, चौधरी नरेश का जिंदाबाद, चौधरी नरेश का जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। शासन की सैपर प्रशासन ने कपिल सोम जी की जो एचएस खोल दी है, ये किसान यूनियन का मनोबल तोड़ने का काम करने के लिए काम किया गया है। प्रशासन अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि वे कितने अवैध काम यहां पर कर रहे हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को कितना सताया जा रहा है यह सर्वविदित है, सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से कपिल सोम की एचएस खोलना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कायरतापूर्ण काम किया गया है। यहां धरने पर उपस्थित ये जनसैलाब तब तक रतनपुरी थाने से नहीं जाएगा जब तक ये इसका निराकरण आज नहीं हो जाएगा। ऐसा कोई महकमा इस जिले में नहीं बच रहा जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। तो इन सारे ही जितने भी अधिकारी हैं, यूनियन का कार्यकर्ता कोई अगर किसानों की लड़ाई लड़ रहा उस पर तो ये मुकदमे लिखने का काम कर रहे हैं। इन पे क्यों नहीं लिख रहे भाई, ये रिश्तेदार है इनके, इन पे भी तो मुकदमा होना चाहिए। बारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है मौजूद है भाई, मारा तो एक ही बात है, फैसला तो लोगे आप और उस पर खड़े उतरेंगे हम। तो जी नमस्कार, क्या नाम आपका? अजीत रामपाल सिंह आर्य है। अच्छा जी, आर्य साहब आज धरना हो रहा, क्या मसला है, क्या मामला? अजी मसला किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं और इन्हें परेशान कर रही पुलिस। 20 साल के 30 साल के कागज खोल रहे हैं, किसोई का नाम ले, किसोई को लेकर शायद नहीं सरकार अपना और क्या कर रही है। ऐसा क्यों किसानों के साथ? किसानों के तो हमेशा करते हैं, पहले बिजली महकमा वाले तंग कर रहे हैं, हमें कहीं मीटर लगा में नुक फ्री बिजली देंगे और मीटर लगवा लो जी, भी हमें बिजली फ्री देंगे, फिर हमें मीटर की जरूरत क्या है। और जी बस परेशानी है किसान, बेरोजगारी हो रही देख तो इनका रगड़ेगा सिर। देख भगवान ने चाहिए आज्ञा हो जा, क्यों ज्यादा तानाशाही चले नहीं करती। रोजगार खत्म, मारे जाग तू का धोड़ी डाड़ी होली बिचारी की। हमारी गैल तो 36 का आंकड़ा है जी, ये तो चुनाव का तो गुस्सा तार लो, हम फिर तैयार है के प्रकार आसमान सीट आ रही है। अजी सीट तो ढेर को बात करनी पड़ी, वो बात इतनी करनी पड़ी, मकाई जो भी कहोगे ये बस वो तो मैं जिस पर कह नहीं सकता। कफन तो कफन खुंटे ठोक देते हैं, या बताऊं पहले नु कहा थे कि भारत सोने की चिड़िया, ये सोने की चिड़िया नहीं आज भी चीड़ा है। क्यों? जिस दिन इस देश का खाकी और खादी जिस दिन सुधर जाएंगे,
उस दिन इस हिंदुस्तान के पैसे पर कोई कमी नहीं रहने की, किसी बात की कमी नहीं रहने की। इन्हें तो लूटा जा रहा, किसानों को भी लूटा जा रहा, हर जनता को लूटा जा रहा। कोई शिक्षा का ध्यान नहीं है। शिक्षा में हमने पीछे भी कहा कि पाठ्यक्रम एक करो ना सरकारी में प्राइवेटों में, अपने आप पता लग जाएगा किसका बालक पढ़े किसका नहीं पढ़ता। इन्हें तो पता कि तुम पे तो पैसा, तुम तो पढ़ा लोगे प्राइवेट में, किसान कहाँ पढ़ा लगा, मजदूर कहाँ पढ़ा लगा। इन्हें तो यह है कि अनपढ़ रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं। पहले हिस्ट्री सीट उनकी खुलनी चाहिए जो 29 आदमी कल उस संसद में जाके बैठे और जिन पे कपिल सोम से ज्यादा मुकदमे हैं, उन लोगों की हिस्ट्री सीट खोलने का काम करे जो बलात्कारी कल उस संसद में बैठने का उन्होंने काम करा। उन्हें तो प्रधानमंत्री और वहां लोग अपने इर्द गिर्द जेड सिक्योरिटी मुहैया कराने का काम कर रही है ये सरकारें, परंतु जो धरातल पे इन मजदूर किसानों की क्षेत्र के लोगों की एक समन्वय बनवाकर समाज को चलाने का काम कर रहा है, उस समाज सेवी पे मुकदमे ठोकने का काम ये शासन प्रशासन कर रहा है। और माननीय अध्यक्ष जी, सभा में उपस्थित मेरे बड़े पदाधिकारी गण, एक और मामला चल रहा जी, जो हमारी नई भर्ती हो रही, हमारी महिला बहनाएं, हमारी महिला बेटियां, ये सिपाही दरोगा बन के आ रही, ये पाखंडी पुलिस की वर्दी में जो लोग उनके उच्च अधिकारी वहां बैठे हैं, उनके शोषण का काम करने का काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी का कहना यो था अब 3 घंटे के लिए ना हो, या जितनी भी पब्लिक आज यहाँ आ रही है अपना मन बना के आ रही है, एक आध दिन खतर नहीं आ रही है। आज का मुद्दा रखो बिजली का, और ये हिस्ट्री सीटर का तो मुद्दा 2-4 दिन पीछे देखा ना, गलत है मेरी बात भाई। भाई तैयार होगा अरे घर तक खूब बढ़िया डाड़, और घर के धमकावेंगे जब तू जो सांझ को भरू जा लिया, हम तो बताओ अपनी भाई, और सारे साथियों को बताया कि नहीं चले थे घर के, यो काम रोज की रोज नहीं जुड़ता, आज जुड़ गया। विभाग कोई सा भी कसर नहीं छोड़ रहा, इतनी खुल का लूट होती हमने तो कभी सुनी भी नहीं, देखने की तो बहुत दूर की बात है। आज यो काम यहाँ तक जुड़ गया, हमें जो जिम्मेदारी दोगे बिल्कुल पीछे नहीं हटे तजर्बा भी। मैं एक चीज कहूँ, चुनाव होगा निमटे भी, राजनीतिक लोग केवल वो टुल रहेगा, लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी, लड़नी पड़ेगी इस बात की। आज पल्ला गांठ दे लो और यंत्र ही मन बना लो, बहुत ज्यादा तो मैं क्या कहूँ टिकैत साहब है, और मत नुकू एक आध दिन बैठा लेंगे इस जिगर को। आज तो बिजली कर किसी और भ्रष्टाचार कर तो बतेरे मुद्दे हमारे पे। जय हिंद, जय भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अगर प्रतिष्ठा प्रशासन की है, पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा है, तो प्रतिष्ठा हमारी भी है भाई। चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, प्रतिष्ठा हमारी भी है। अगर उसकी घोषणा आज करते हो, उसे लैन हाजिर करके और उसे इस जिले तक कहीं भी बाहर भेज दो तो समझौता है, नहीं कुछ भी है नहीं भाई। बहुत बढ़िया, अमर रहे जिंदाबाद। इब लोग तो सीओ साहब के हाथ में है यहाँ से बात, फिर यहाँ से एसएसपी डीएम आओगा भाई, बहुत यहाँ जनता के बीच में घोषणा करनी पड़ेगी, और जो कोई होगी चौथी आर पार की लड़ाई अंत ही शुरू होगी भाई।